हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ओके, काफ़ी बच्चे काफ़ी दिन से कह भी रहे थे सर ब्लड रिलेशन की वीडियो बना के अपलोड कर दो, तो आज वो दिन आ गया। गाना ना वो घड़ी आ गई आ गई। ठीक है, तो चलो अभी मैं काफ़ी दिन से बिजी चल रहा था तो काफ़ी मैं भूल गया था। बच्चे ने कहा भी था सर रिकॉर्डेड करके अपलोड कर दो, तो देन आज मैं मान लीजिए उन्हीं के कहने पे ये चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में कि ब्लड रिलेशन में किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, कौन सी बातें हैं जिसमें ब्लड रिलेशन का सबसे मतलब ब्लड रिलेशन चैप्टर में कौन सी बातों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना होता है। ओके, तो ब्लड रिलेशन में ध्यान रखना बच्चों तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन में कितनी बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं? तीन बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो होती हैं, सबसे मेन चीज होती है ब्लड रिलेशन में आपको जेंडर का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होता है। जेंडर समझ रहे हो, लड़का है या लड़की, जेंडर यानी लिंग। ठीक है, लड़का है या लड़की, इस बात का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना होता है कि जब सवाल में किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसी के बारे में कुछ बता रहा है, तो वह लड़का है या लड़की। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से डिसाइड करना होगा। दूसरा होता है बच्चों यहाँ पे जिसका आपको ध्यान रखना होता है, उसका नाम होता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? पीढ़ी का अंतर। पीढ़ी समझ रहे हो, जैसे अगर मैं बात करूँ आपका भाई, अब आपके भाई और आप में जनरेशन गैप होगा जीरो, क्योंकि आप दोनों सेम पीढ़ी के हुए। मान लो ये आप हो, ठीक है, आप लड़का हो लड़की मुझको नहीं पता, जो वीडियो देख रहा है ये आप हो, अब आपका भाई है, तो आपका भाई क्या होगा, आपकी सेम पीढ़ी में आएगा। लेकिन अगर मैं कहता आपके पापा, अगर आपके पापा होते तो आपके पापा आपसे एक पीढ़ी ऊपर होते। मैं कहता आपका बेटा, अब आपका बेटा आपसे एक पीढ़ी क्या होता, नीचे होता। समझ रहे हो, तो पापा क्या है, एक जनरेशन ऊपर है, बेटा क्या है, एक जनरेशन नीचे है, भाई क्या है, सेम जनरेशन में। यही कह देता दादा, तो दादा कितनी पीढ़ी ऊपर चले जाते, दो पीढ़ी ऊपर चले जाते। समझ रहे हो इस बात को, तो ध्यान रखना सबसे मेन चीज होती है यहां पे जेंडर के, लड़का है या लड़की। दूसरा होता है यहां पे जनरेशन गैप, इन दोनों बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो बड़ा सिंपल सा है, सिंबल्स का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? सिंबल्स का। ठीक है, सिंबल्स का ध्यान रखने का मतलब क्या है, जैसे बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि लड़का और लड़की का ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना यहाँ पे लड़के के लिए यानी मेल के लिए हम हमेशा नोट क्या करके चलते हैं, प्लस। ठीक है, लड़के के लिए हम क्या लेके चलते हैं, प्लस, और फीमेल के लिए लेके चलते हैं माइनस। अब कोई बच्चा कहे सर इसके पीछे कोई लॉजिक है? नहीं, लॉजिक कुछ नहीं है, बस एक क्राइटेरिया सबने सेट कर रखा है। ठीक है, कि मेल को हम किसे डिनोट करेंगे, प्लस से, और फीमेल को किसे डिनोट करेंगे, माइनस से। ओके, अब एक बात और समझानी है जिसका आप ध्यान रखना, जैसे मान लो अगर ये लड़की है, जो मैंने कहा था ना ये आप हो, ये लड़की है, आप क्या हो, लड़की हो, अब ये आपका भाई है, भाई सेम पीढ़ी का होगा तो सीधे लाइन से दिखा दिया। अब मैं कहता आपका पति, अब पति को भी अगर मैं सेम लाइन से दिखाऊंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, कौन भाई है और कौन हस्बैंड है। ठीक है, कौन भाई है कौन पति है, मैं कंफ्यूज हो सकता हूं, खुद ही क्या हो सकता हूं, कंफ्यूज। तो जो पति पत्नी का रिलेशन होता है उसको हम हमेशा डबल लाइन से दिखाएंगे, डबल एरो से। किससे दिखाएंगे? डबल साइड एरो से दिखाएंगे, ताकि मेरे को जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मुझको याद रहे कि ये जो रिलेशन है वो किसका है, हस्बैंड वाइफ का है, और ये कौन है, भाई बहन है। समझ रहे हो इस बात को, तो ध्यान रखना ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन दिखाएंगे वो किससे शो करेंगे, डबल साइड एरो से शो करेंगे। रीजन समझ में आ गया क्यों? क्योंकि भाई भाई भी सेम पीढ़ी में है, पति भी सेम पीढ़ी में है, भाई भी सेम पीढ़ी में होगा, पति भी सेम पीढ़ी में होगा, तो डिफ्रेंशिएट किसके बेसिस पर करेंगे, तो सीधी लाइन से जो हम दिखाते हैं वो भाई को दिखाएंगे, और डबल लाइन से जो दिखाएंगे डबल साइडेड एरो से वो किसको दिखाएंगे, हस्बैंड को। तो अभी तक ये था ब्लड रिलेशन का बेस, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज मैंने आपको क्या बताई, जेंडर, आपको जेंडर का ध्यान रखना है कि लड़का है या लड़की। दूसरा पीढ़ी का अंतर, कि जो भी जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो आपके साथ वाली पीढ़ी में आएगा, आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा, या आपसे नीचे वाली पीढ़ी में आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी बात, सिंबल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मेल प्लस, फीमेल माइनस। ओके, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को कैसे डिनोट करेंगे, डबल साइडेड एरो से हम डिनोट करेंगे। ओके, अब ये हो गई इसकी बेसिक बातें।
अब एक ऐसी बात जो 99% बच्चों को पहले से ही पता है, एक बात की नॉलेज और होनी चाहिए जो मैंने क्या कहा 99% बच्चों को पहले से ही पता है, रिलेशंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ रिलेशन, नॉलेज ऑफ रिलेशन। आपको रिलेशंस की नॉलेज होनी चाहिए कि भैया पापा किसको कहते हैं, मम्मी किसको कहते हैं। सबको पता है पापा किसको कहते हैं, मम्मी किसको कहते हैं, भाई किसको कहते हैं, बहन किसको कहते हैं, चाचा किसको कहते हैं, चाची किसको कहते हैं, मौसा किसको कहते हैं, मौसी किसको कहते हैं, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा रिलेशन की नॉलेज 99% बच्चों को होती है। ठीक है, तो इसमें अगर किसी बच्चे को नॉलेज नहीं है तो इस नॉलेज को गेन कर लो, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन में आपके क्या आएगी, काम आएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कज़िन, अब इंग्लिश में मैंने वर्ड यूज़ किया कज़िन, तो आपको पता होना चाहिए कज़िन किसको कहते हैं, मौसी का बेटा हो या मतलब मौसी मौसा का बच्चा हो या चाचा चाची का बच्चा हो, उसको हम क्या कहते हैं, मामा मामी का बच्चा हो, तो हमारा दूर का भाई, समझ रहे हो, कज़िन किसको कहते हैं, दूर का भाई। अब कज़िन के अंदर लड़का लड़की दोनों आते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इंग्लिश में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं कज़िन, कज़िन में मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, चाहे आपका दूर का भाई हो चाहे दूर की बहन हो, वो क्या कहलाएगी आपकी, आपका कज़िन कहलाएगा, कज़िन। ठीक है, दूर का भाई हो चाहे बहन हो, हम दोनों ही केस में उनको क्या बोलते हैं, कज़िन बोलते हैं। लेकिन हिंदी में क्या होता है, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ऐसे बोल देते हैं, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन। तो हिंदी में तो हम अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, ठीक है, तो चचेरा भाई, लेकिन इंग्लिश में सबके लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है जिसका नाम है कज़िन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो कुछ बातें हैं जो इंग्लिश हिंदी में भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, 99% बच्चों को रिलेशन की नॉलेज होती है, तो अब इसको बताना कोई काम की बात नहीं होगी, क्योंकि 99.99 बच्चों को रिलेशन की नॉलेज होती है। ठीक है, तो मैं सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ। अब ध्यान रखना तीन बातों की, आपको बहुत ध्यान रखना है, जेंडर का, जेनरेशन गैप का और सिंबल्स का। और एक बात और मैंने कहा कि आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, रिलेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अभी मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब भी मैं आपको बताता रहूंगा थोड़ी बहुत रिलेशन के बारे में, क्योंकि देखो ये सबको पहले से ही पता है, इसको बता के टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो भी मैं क्या करूंगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़ी होता ना कुछ रिलेशन, कंफ्यूजिंग रिलेशन जो होते हैं, तो वहीं पर हिंदी इंग्लिश में क्या करता चलूंगा, डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन कितने प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो ये तो वो बातें हो गई जिनका आपको ध्यान रखना है, जेंडर, जेनरेशन गैप और सिंबल। ठीक है, अब बात करेंगे हम आज कि अब ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन कितने टाइप से आते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन केवल दो ही तरफ से आते हैं, टू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन होते हैं? इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। दूसरे होते हैं हमारे इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, एक होते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन और दूसरे होते हैं इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब बच्चों, जो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन दो तरीके से दी जाती है, तो आगे चलकर ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक आपके डिवाइड हो जाते हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, एक होती है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन और एक होती है बच्चों कोडेड इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं आपको एक बात समझाऊं मोटी मोटी, ठीक है, ब्लड रिलेशन एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस इसमें तो टीचर को बच्चे के मन से एक डर निकालना होता है कि भैया ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस यही समझाना होता है, बाकी 90% बच्चे खुद से कर देते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, कि होता है ना कि आपको बहुत अलग से कोई फॉर्मूला याद करना है, ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में। तो अब हम बात करते हैं यहां पर कि इंफॉर्मेशन, ये मैंने कहा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन और कोडेड इंफॉर्मेशन, और तीसरे हमारे कौन से क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर मुझे कुछ समझाना है तो आपको थोड़ा सा कोडेड में समझाना है, क्योंकि देखो नाम से ही पता चल रहा है कोडेड,
मतलब इसमें कुछ कोड का यूज किया जाएगा। तो यही बात मुझे समझानी है। इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसमें आपको एक छोटी सी पहेली दे दी जाती है। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय कराना, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, परिचय कराना। अब परिचय जैसे हाँ, आपके घर में कोई आए आपसे पूछे भैया ये फोटो किसकी है, अब आप सीधे सीधे भी बता सकते थे ये मेरे भाई की है, बता सकते थे, पर आपने सीधे सीधे नहीं बताया मेरे भाई की है, आपने उसको क्या करा, एक इंट्रोडक्शन में छोटी सी पहेली दे दी। छोटी सी पहेली क्या दी कि ये जो फोटो में व्यक्ति है, वैसे वो आपका क्या है, भाई है, लेकिन आपने पहेली क्या दे दी, ये जो फोटो में व्यक्ति है मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, तो वो आपका क्या हुआ, भाई हुआ। अब हम सीधे सीधे ये बात बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति आया उसने पूछा ये फोटो किसकी है, यहाँ पे आप सीधे सीधे नहीं बताओगे कि वो मेरा भाई है। यहाँ पे क्या दी जाती है, इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन मतलब यानी परिचय में, परिचय में आपको एक छोटी सी पहेली दी जाती है, उसको आपको सॉल्व करना होता है, बस। ये काम किसका होता है, इंट्रोडक्शन बेस्ड का। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक छोटी सी पहेली को सुलझाना होता है। मैंने कहा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, सीधे सीधे आपको बताता है ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, डी ई की बहन है, ऐसे आपको जानकारी देता है, और आपको एक ग्राफ बनाना होता है। क्या बनाना होता है, एक ग्राफ, एक ग्राफ बनाना होता है, और फिर उस ग्राफ के बनाकर आपको बस क्वेश्चन का क्या देना होता है, आंसर देना होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कोडेड में भी हम क्या बनाएंगे, ग्राफ ही बनाएंगे, पर इसमें इंफॉर्मेशन कोड में देगा, कोड फॉर्म में, तो मुझे वो समझाना है उस कोड को कैसे ब्रेक करना है, बस ये आपको समझाना है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन से क्वेश्चन बच्चों, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आता है उसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, जैसा एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आता है। अभी मैंने केवल इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ये मत सोचना सर क्वेश्चन इंग्लिश में है हिंदी में लिखो, क्योंकि देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा तो बोर्ड ही भर जाना है पूरा। तो इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, हिंदी में मैं पढ़ता चलूंगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है और क्यों मैंने कहा ये बहुत सिंपल है, ठीक है। मैंने ये भी कहा ना बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बस आपको कुछ नहीं करना, मैंने कहा था ना इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, एक ग्राफ। अब देखो ग्राफ बनाते टाइम दो ही बातों का ध्यान रखना है, वैसे तो तीन बातों का रखना है लेकिन मेनली कितनी बातें, दो, एक तो जेंडर का ध्यान रखना है, दूसरा जनरेशन गैप का ध्यान रखना है मतलब पीढ़ी का अंतर, और तीसरा क्या है, सिंबल्स का, ठीक है। इन्हीं तीन बातों का ध्यान रखना होता है, मेन कौन सी है, दो, जेंडर और जनरेशन गैप, ठीक है। तो अब यहां पे सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमको क्या दी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, सीधे सीधे जानकारी देना, ठीक है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे जानकारी देना। तो इन्होंने सीधे सीधे जानकारी दी, बी इज द फादर ऑफ क्यू। अब बी पिता है, किसका पिता है, क्यू का। अब देखो बी पापा है, बी जो है हमारा वो पिता है, पिता मतलब पुरुष होगा, पुरुष होगा तो मेल, ठीक है। बी पिता है, अब पिता है तो ऊपर होगा, अब ये पिता किसका है, क्यू का, तो इसका मतलब क्यू नीचे ही आएगा ना, क्यू कहाँ आएगा, नीचे। बी पिता है क्यू का, तो इस पहली वाली लाइन में, इस पहली वाली लाइन में मुझको जो जेंडर पता चला है वो केवल किसका पता चला है, बी का जेंडर पता चला है, क्यू का जेंडर पता नहीं चला, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन में कहा है बी हैज टू चिल्ड्रन, बी के कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। अब ये नहीं बताया कि लड़के हैं या लड़की, बस ये बताया है कि बी के कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। अब बी यहां है, एक बच्चा तो आपको ये दिखाई दे रहा है, अब यहां पे मैंने कौन सा बच्चा बना दिया, ये दूसरा बच्चा बना दिया, ठीक है। अब बच्चा है तो एक पीढ़ी नीचे ही आएगा। नेक्स्ट लाइन, अब क्यू, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। अब क्या कहा, क्यू भाई है, क्यू क्या है, भाई है, इज द ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई, क्यू भाई है, किसका भाई है, आर का, तो क्यू भाई है तो मतलब मेल होगा, लड़का, तो क्यू भाई है। अब ये भाई किसका है, आर का, तो आर यही आएगा क्योंकि अभी बी के कितने बच्चे थे, दो बच्चे थे, ठीक है। तो अब क्यू भाई है, तो इस सेंटेंस से क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, किसका जेंडर पता चल गया, क्यू का पता चल गया, आर का भी पता नहीं चला। आगे पढ़ते हैं, आर इज द डॉटर, आर क्या है, डॉटर, डॉटर ऑफ पी। अब ध्यान से देखना, आर डॉटर है,
अब आर क्या है? डॉटर, डॉटर यानी लड़की। आर बेटी है, किसकी बेटी है? पी की। तो आर बेटी है पी की, पी की बेटी है। अब यहां पे देखो, ये इसकी भी बेटी है और इसकी भी बेटी है, तो अब आपको क्या समझ में आया? ये दोनों आपस में क्या होंगे? पति पत्नी। बस इन बातों का आपको ब्लड रिलेशन में ध्यान रखना होता है। अभी जो ये जो बात मैं समझा रहा हूं ना, इसी बात का आपको ब्लड रिलेशन के ग्राफ में ध्यान रखना होता है कि अब जो आर है, आर इसकी भी बेटी है और आर इसकी भी बेटी है, तो अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पति पत्नी। क्योंकि ये आर के पापा हैं तो ये आर की अब मम्मी होंगी। दो दो बाप तो हो नहीं सकते या दो दो माँ तो हो नहीं सकती, ठीक है? तो अब ये आर के पापा हैं तो अब ये क्या निकलेंगी? आर की मम्मी। तो ये आपस में क्या निकले? पति पत्नी। और मैंने कहा था पति पत्नी को किससे दिखाओगे? डबल साइड एरो से दिखाओगे, ताकि अलग से समझ में आ जाए ये पति पत्नी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया था आर इज द डॉटर ऑफ पी। आगे कहा ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी। ए क्या है? ग्रैंड मदर है किसकी? ए इज द ग्रैंड, सॉरी ग्रैंड मदर नहीं, ग्रैंड डॉटर, ठीक है? ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए क्या है? पर पोती है किसकी? पी की। अब ये पी की बेटी और इसकी भी बेटी कौन हो जाएगी? इसकी पर पोती हो जाएगी, ठीक है? तो ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ठीक है? तो ए ग्रैंड डॉटर है पी की, तो हमने ए को नीचे बना लिया और ये डॉटर, ग्रैंड डॉटर, तो ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, पी का जेंडर क्वेश्चन में नहीं बताया गया, पी का जेंडर सवाल में नहीं बताया। पी का जेंडर हमको इसी रिलेशन से पता चला कि जब ये आर के पापा हैं तो ये आर की कौन होंगी? मम्मी होंगी। पी का जेंडर आप अगर ध्यान से पढ़ो, सवाल में नहीं दिया है, सवाल में पी का जेंडर नहीं दिया। आपको पता कैसे चला? ये आर के पापा हैं तो ये आर की कौन होंगी? मम्मी होंगी। तो ध्यान रखना बहुत से पर्सन के बारे में, ठीक है? अब यहां तो पर्सन को किससे डिनोट किया है? लेटर से डिनोट किया है। तो ध्यान रखना बहुत से पर्सन के जेंडर सीधे सीधे नहीं बताए जाते। अगर आप लॉजिकल देखोगे तो आपको जेंडर पता चल जाएगा, जैसे कि अभी किसका पता चला? पी का जेंडर पता चला, ठीक है? तो इन बातों का ध्यान रखना। अब ये आर के पापा हैं तो कॉमन सेंस है ये आर की मम्मी होंगी, तो इनका जेंडर क्या होगा? फीमेल होगा। और ये दोनों क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। बस इन्हीं बातों का ब्लड रिलेशन में क्या रखना होता है? ध्यान रखना होता है। अब ए ग्रैंड डॉटर है पी की, हमने बना दी। आगे कहा एंड एस इज द, एस इज द फादर ऑफ ए। एस क्या है? ए का फादर है, ओके। अब एस क्या है? ए का फादर है। अब आप एक चीज मुझसे कह सकते थे, एक क्वेश्चन मेरे से अराइज कर सकते थे, पूछ सकते थे क्या कि सर जो आपने ये ग्रैंड डॉटर बनाई ए, इसी की बेटी क्यों बनाई? आप इसकी भी बेटी बना सकते थे, क्योंकि अब मैं क्यू की बेटी बनाऊंगा तो भी ग्रैंड डॉटर ही होगी ना, क्योंकि ये भी तो इसका बेटा ही है, समझ रहे हो? तो ये पी की बेटी है और ये पी का बेटा है, अब बेटे की बेटी भी तो ग्रैंड डॉटर ही लगेगी। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने ए इधर क्यों नहीं बनाई, ये जो ग्रैंड डॉटर है इधर क्यों नहीं बनाई, इसकी बेटी। अब उसका हम किससे डिसाइड करेंगे? नेक्स्ट लाइन से, क्योंकि अभी जो है ए ग्रैंड डॉटर है, तो ग्रैंड डॉटर ये आर की बेटी भी हो सकती है और क्यू की बेटी भी हो सकती है, क्योंकि चाहे आर की बेटी हो तो भी इसकी ग्रैंड डॉटर है, क्यू की बेटी हो तो भी इसकी क्या है? ग्रैंड डॉटर है। लेकिन अब आगे एक लाइन कही है, क्या? एस इज द फादर ऑफ ए। अब अगर आपने ए का पिता इसी को बना दिया पहले से, तो अब इसके दो दो बाप तो हो नहीं सकते, क्योंकि सवाल में क्या दिया है? एस, एस क्या है? पिता है। एस इज द फादर, मतलब एस पिता है ए का, तो हम ये वाला केस नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि यहां पे पिता कौन बन रहा है? क्यू, तो ये गलत हो रहा है, समझ रहे हो? तो अब एस किसका पिता है? ए का पिता है, एस पिता है। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो गए? पति पत्नी, समझ गए? अब क्वेश्चन में जानकारी हो गई खत्म। अब क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या है। पूछा है हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। तो पूछा है हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, तो एस क्यू का क्या लगता है, एस क्यू का क्या लगता है? अब एक बात मैं तो कहूंगा, जिसके साथ रिलेशन पूछा जाए उसी की साइड से देखो। तो यहां पे एस का रिलेशन किसके साथ पूछा जा रहा है? क्यू के साथ पूछा जा रहा है। तो हम देखना जो ग्राफ में स्टार्ट करेंगे वो क्यू की साइड से ही करेंगे। फिर से रिपीट करूंगा, सवाल में क्या पूछा है? एस का रिश्ता क्यू के साथ क्या है,
एस का रिश्ता, एस का रिलेशन क्यू के साथ क्या है? तो मैंने क्या कहा, जिसके साथ रिलेशन पूछा जाए उसी की साइड से ग्राफ में चेक करेंगे। तो रिलेशन किसके साथ पूछा जा रहा है, क्यू के साथ पूछा जा रहा है, तो क्यू की साइड से देखेंगे। तो ये है क्यू की बहन, बहन का पति, बहन का पति क्या लगेगा, जीजा लगेगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, तो मैंने कहा एस का रिश्ता, एस का रिलेशन क्यू के साथ क्या है, तो जिसके साथ पूछा जा रहा है उसी की साइड से चेक करोगे। तो मैंने चेक किया, ये क्यू की बहन है और ये इसकी बहन का पति है, तो बहन का पति क्या लगता है, जीजा, ठीक है। और इंग्लिश में जीजा को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, तो मेरा आंसर क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ। लेकिन मैं एक बार बता देता हूं, जैसे हिंदी में देवर होता है, जेठ होता है, बहनोई होता है, नंदोई होता है, ठीक है, जीजा होता है, साला होता है, इन सबको इंग्लिश में एक ही बात बोला जाता है, ब्रदर इन लॉ। ओके, क्लियर होगा। तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चों ने मेरे सॉल्व करने से पहले भी सॉल्व कर दिया होगा, लेकिन मैं तो मेरा काम है समझाना, तो मैं आपको एक एक बात समझा रहा था। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको दो ही बात समझाई, एक बात तो ये वाली कि कभी कभी कुछ बातें सवाल में नहीं दी होती पर हमको लॉजिकल देखना होता है और समझना होता है कि ये आपस में क्या होंगे, पति पत्नी, और फिर जेंडर भी कुछ होता है ना, कुछ लोगों का जेंडर पता चल जाता है लॉजिकल सोचने पे, तो इन बातों का ध्यान रखना। दूसरा एक लास्ट बात क्या समझाई, जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में ये चेक करो रिलेशन किसके साथ पूछा जा रहा है, तो जिसके साथ पूछा जाए उसी की साइड से देखना स्टार्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग बच्चे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, सारे काम करते हैं, पर आंसर उल्टा दे देते हैं, आंसर क्या दे देते हैं, उल्टा दे देते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास में, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कोडेड इंफॉर्मेशन की, ठीक है। क्योंकि देखो आप देख चुके हो कि इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है समझाने का, सिंपल आपके मन से एक डर निकालना था कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन टफ वफ नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास जो मैं रखूंगा ब्लड रिलेशन की, उसमें मैं बात करूंगा कोडेड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन की, मतलब जो इंफॉर्मेशन कैसी होगी, कोडेड इंफॉर्मेशन, उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, मैं इसको रब करता हूं और देन हम एक क्वेश्चन और करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी एक छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपको इंपॉर्टेंट है, जिनका ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, पी इज द ओनली सन, ओनली का मतलब क्या होता है, इकलौता, ओनली का मतलब क्या होता है, इकलौता। अब इन्होंने कहा पी क्या है, इकलौता बेटा है क्यू का, पी क्या है, इकलौता बेटा है क्यू का। अब पी का पी इकलौता बेटा है क्यू का, पी इज द ओनली सन ऑफ क्यू, तो इसका मतलब उसके केवल एक ही बेटा है, अब कोई और बेटा नहीं होगा। ध्यान रखना इकलौता बेटा है, बेटी की जानकारी नहीं है यहां पे। कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं इकलौता बेटा मतलब उसका बच्चा ही एक है, ना, इकलौता बेटा है मतलब उसका, मतलब क्यू का कोई और बेटा नहीं होगा, बेटी हो सकती है लेकिन बेटा नहीं होगा। तो इन्होंने कहा पी इज द ओनली सन ऑफ क्यू, मान लो ये क्यू है, अब क्यू का इकलौता बेटा है, कौन है वो, पी, ठीक है। तो पी क्या है, इकलौता बेटा है क्यू का, इकलौता बेटा, तो बेटा केवल इकलौता है, अब दूसरा बेटा नहीं होगा लेकिन बेटी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब इन्होंने कहा जो इकलौती बेटी है एस की, इंग्लिश में हु इज द ओनली डॉटर ऑफ एस, हु उसी पर लगता है जिसके साथ में आता है, किसके साथ में आया है, क्यू के साथ। अगर यहां हु हो विच हो, हु और विच, हु और विच, ये दोनों वर्ड जिसके साथ में लिखे होते हैं उसी के ऊपर वैलिड होते हैं, ठीक है। हिंदी में हु को क्या कहते हैं, जो, जो कि इकलौती बेटी है एस की, यानी क्यू जो है इकलौती बेटी है, किसकी बेटी है, एस की। तो क्यू का जेंडर पता चल गया, क्यू क्या है, इकलौती बेटी है, और ये इकलौती बेटी किसकी है, एस की, मतलब अब एस की कोई और बेटी नहीं हो सकती, ये इकलौती बेटी है, कोई और बेटी नहीं हो सकती लेकिन बेटा हो सकता है, समझ रहे हो। तो क्यू हु इज द ओनली डॉटर ऑफ एस, ओनली डॉटर ऑफ एस। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कहा है आगे डी इज द मदर ऑफ बी, डी क्या है, बी की मम्मा है। अब डी बी की मम्मी है, ओके, लेकिन अभी ना यहां पे डी है और ना ही बी है,
तो कनेक्ट तो नहीं कर सकते, समझ रहे हो। इन्होंने कहा डी जो है वो मम्मी है, किसकी मम्मी है, बी की, डी इज द मदर ऑफ बी दे रखा है, लेकिन अभी डी और बी यहां नहीं है तो इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, एंड एंड, अब एंड किस पे जाके लगेगा, डी पे जाके लगेगा, तो एंड डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू, डॉटर इन लॉ को हिंदी में बोलते हैं बहू है, तो इन्होंने कहा जो डी है वो बी की मम्मी है और क्यू की बहू है, क्यू की क्या है, बहू है, समझ गए, जो डी है वो मम्मी है बी की और क्यू की क्या है, बहू है, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, तो क्यू की बहू है तो पी की क्या होगी, वो पत्नी होगी, कौन होगी पत्नी, डी, ओके। तो यहां का डी जो है बी की मम्मी है और क्यू की बहू है, तो देखो ये क्यू का बेटा और बेटे की बीवी, बेटे की पत्नी, इसकी क्या लगेगी, बहू लगेगी। अब डी मम्मी किसकी थी, डी मम्मी किसकी थी, बी की, तो बी कहां आ गया, नीचे आ गया, समझ गए, ठीक है, बस लैंग्वेज को घुमा फिरा के दे रहा है और कुछ नहीं है। तो डी जो है मम्मी है बी की और बहू है क्यू की, तो डी मम्मी है बी की, बहू है क्यू की। अभी तक देखो बी का जेंडर हमको पूरे सवाल में कहीं पता नहीं चला और एस का जेंडर भी हमको पूरे सवाल में कहीं भी पता नहीं चला, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज बी रिलेटेड, हाउ इज बी रिलेटेड टू क्यू, ठीक है। मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाया था क्या कि जिसके साथ रिलेशन पूछा जाए उसी की साइड से देखना स्टार्ट करते हैं। तो अब बी का रिलेशन किसके साथ पूछा जा रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू क्यू, यानी बी का रिश्ता क्यू के साथ क्या है, क्या पूछा जा रहा है, बी का रिश्ता, बी का रिलेशन क्यू के साथ क्या है, तो किसके साथ पूछा जा रहा है, क्यू के साथ। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसके साथ रिलेशन पूछा जाए उसी की साइड से देखा जाता है, तो रिलेशन किसके साथ पूछा जा रहा है, क्यू के साथ पूछा जा रहा है, तो मैं क्यू की साइड से देखूंगा, तो ये क्यू है, ये क्यू की बेटी है, ये क्या है, क्यू की बेटी, और ये बेटी की, अब ये बेटी है या बेटा मुझको नहीं पता, अब ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी, तो ध्यान से देखना किसके साथ रिलेशन पूछ रहे हैं, क्यू के साथ, तो क्यू की साइड से देखना मैंने स्टार्ट किया, ये है क्यू की बेटी और ये बेटी की, अब बेटी है या बेटा मुझको नहीं पता, तो अब आंसर क्या हो सकता है, ग्रैंड सन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है। अब जी ऑप्शन में ग्रैंड सन अलग दिया है, ग्रैंड डॉटर अलग दिया है, ठीक है, तो अब मैं आंसर क्या लगाऊंगा, ये हमारा डी ऑप्शन है, क्या आंसर लगाऊंगा, कैन नॉट डिटरमाइन, ओके। तो अब ऐसे केस में जब मुझको जेंडर नहीं पता तो या तो मेरा आंसर क्या आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, या फिर मान लो ऑप्शन में ऐसे दिया होता, ये वाला ऑप्शन ना देके आपको ऑप्शन डी ऑप्शन ऐसे दिया होता, आइदर ए और बी, इसका मतलब क्या है, या तो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी एकदम सही माना जाता, आइदर ए और बी, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाता, आइदर ए और बी, तो या तो आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, ऐसे क्वेश्चन का जिसमें हमको क्या नहीं पता, जेंडर नहीं पता, तो आंसर या तो होगा कैन नॉट डिटरमाइन या होगा आइदर ए और बी, तो दो ही आंसर हो सकते हैं। तो ध्यान रखना ब्लड रिलेशन में जो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करना है, आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इंफॉर्मेशन से आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है और देन आपको क्या देने हैं, आंसर देने हैं। अब ग्राफ बनाते टाइम आपको तीन बातों का ध्यान रखना है, सबसे मेन तीन बातें क्या है, सबसे पहले जेंडर, दूसरा जेनरेशन गैप और तीसरा सिंबल। और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक बात समझाई थी कि कभी कभी कुछ लोगों के जेंडर आपको सीधे सीधे नहीं देता, आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना होता है और आपको जेंडर पता चल जाता है, जो लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, ऐसे ही बातों का भी ध्यान रखना है। और एक बात और समझाई कि जिसके साथ रिलेशन पूछा जाता है, जिसके साथ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिसके साथ रिलेशन पूछा जाता है उसी की साइड से देखना स्टार्ट करो, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो क्यू के साथ पूछा, हमने देखा ये क्यू की बेटी और ये बेटी की, अब बेटी है बेटा हमको नहीं पता, तो ग्रैंड सन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं, मैंने अभी आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के कितने क्वेश्चन कराए, दो क्वेश्चन कराए, दोनों को बहुत आराम आराम से समझाया, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बात भी समझाई, ओनली वाली, इकलौती वाली, ठीक है, इकलौता बेटा, मतलब बेटा केवल कितना होगा, एक,
पर बेटी हो सकती है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे थोड़ा होते ना कंफ्यूज होते हैं, तो अगर आपको अभी भी लगता है कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे आपको कुछ क्वेश्चंस की और नीड है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन काफ़ी हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे जानकारी को पढ़ना है, ग्राफ बनाना है और देन क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता चुका हूं दो तीन बार कि इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को वीडियो देख के लगता है कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे एक दो क्वेश्चन की नीड या कुछ क्वेश्चन की और नीड है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, तो मैं कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड रिलेशन में कौन सा पार्ट करेंगे, कोडेड इंफॉर्मेशन वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बच्चे होगी हमारी कोडेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, और अगर आपको कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है किस पे, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पे अगर आपको कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास पे क्या स्टार्ट करेंगे, कोडेड इंफॉर्मेशन। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।